नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एहसास से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, सोच समझ कर कोई भी निर्णय लेना, दूरदर्शिता रखना, किसी के अंडर में भी कंफर्टेबल वर्क कर लेना तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा लेना, ऐसे कर तमाम तरह के जो एक एनालिटिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी में होना चाहिए वो आपके अंदर रहने वाला है। सारी फिंगर एकदम इंडिपेंडेंट है, तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच रहने वाला है, चाह करके भी किसी के सामने झुक नहीं सकते या दब नहीं सकते। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क या टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए आप वर्क करेंगे तो इससे कंफर्टेबिलिटी आपके जीवन में अच्छा आएगा। वहीं हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी आपके जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जिसके कारण थोड़ा कम्युनिकेशन में कई मरतबा दिक्कत आता है, जिसके कारण अपने पूरे मन की बात किसी के सामने नहीं रख पाते। लिटिल फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। अगर मल्टीपल टास्क एक ही समय पर कर रहे हैं तो फिर डिस्टर्बेंस लाइफ में बहुत जल्दी होता है और फिर हर काम में देरी या रुकावट आने लग जाता है। यहाँ देखें तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी स्ट्रांग है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देती है, तो कभी जीवन में किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते। नॉलेज इस प्रकार की फिंगर बहुत अच्छी देता है, इंटेलिजेंसी भी इवन आपके अंदर परफेक्ट रहने वाला है। हाई पोस्ट अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए वर्क करके अपने लाइफ में सेटिस्फाइड करियर वाइज आप हो पाएंगे। ये जुपिटर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी देता है, इसीलिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा बाकायदा फ्रेंडली नेचर देता है, तो इस कंडीशन में हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में आता है। फिंगर के जो आपके नोट्स हैं वो क्लियर कट इतने डेवलप्ड है नहीं, तो थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, जिसके कारण डिसीजन प्रोमिनेंट बेस्ड नहीं ले पाते। किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता इस कंडीशन पड़ती है, और फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप हो तो इंडिपेंडेंट नेचर के अंतर्गत ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन को दर्शाते हैं, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण कम देखने को मिलता है। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स दोनों यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस कंडीशन में ठीक रहेगा। थंब का साइज आपका देखा जाए तो सशक्त और मजबूत है, तो इस प्रकार का थंब लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छी देता है, तो छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है, और आप जो है लविंग केयरिंग नेचर के भी हैं, क्योंकि थंब पीछे की ओर थोड़ा बेंड हो रहा है, तो इस कंडीशन में रिश्तों को, व्यवहार को, अपनेपन को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देने वाले यहाँ पर आप रहेंगे। जहाँ पर थंब का ज्वाइंट पॉइंट है मांसल कम हो रहा है, तो इस कारण से डिसीजन से प्लानिंग के अंदर चेंजेस समय के अनुसार कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये हठी व जिद्दी किस्म का नेचर आपको देगा। यहाँ पर आपका योग का चिन्ह है लेकिन ओपन है, तो ये भी दर्शा रहा है कि पैसा तो जीवन में आया है, आएगा भी, रुकेगा नहीं, खर्चे हमेशा होते रहेंगे। इसलिए आप जैसे जातकों को जब भी पैसा आए इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, ताकि उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। पाम का साइज स्क्वायरिश में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में मेहनत के रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं है, जो भी काम आपको हाथ में दिया जाए अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाने में सक्षम रहेंगे। जुपिटर आपका जो है वो बहुत सही एरिया कवर कर पा रहा है, और इस प्रकार का जुपिटर नॉलेज, फैमिली लाइफ सब सुख देता है। बस एक इसमें ट्रबल ये आ गया कि ये सैटर्न के साथ मिक्स हो गया। जब जुपिटर सैटर्न के साथ मिक्स होता है तो फैमिली से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस कंडीशन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आप जीवन में करते रहेंगे उनके लिए रिटर्न टू बैक मिलेगा कम। ये बात थोड़ी सी कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन सैटर्न के साथ मिलने के कारण कई मरतबा फैमिली में उस प्रकार का तवज्जो नहीं मिल पाता जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, या जितना क्रेडिट एक्सपेक्ट करते हैं नहीं मिल पाता। यहाँ की आड़ी रेखा जरूर आपको दानवीर बनाएगी, और यही एकमात्र रीज़न रहेगा कि आप आगे से रहकर के फैमिली के लिए मदद एवं दूसरों के लिए भी मदद करेंगे। जो भी आपके पास आएगा मना नहीं कर पाएंगे, ना नहीं कहेंगे किसी भी प्रकार के हेल्प के लिए। इस प्रकार की आड़ी रेखा को गुरु वाले भी कहते हैं, प्योर गुरु वाले नहीं है ये, लेकिन तब भी आपको धार्मिक भी बनाएगा, दान पुण्य धर्म कर्म में आपको इंगेज करेगा, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ व रहस्य विद्याओं के प्रति ये रुचि को आपको बढ़ाएगा, और आगे चल करके सोशल वर्क एनजीओस के लिए काम करते हुए एवं पेट लवर भी यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, ये रेगुलर लर्निंग हैबिट देता है, कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना बेसिक नेचर में होता है,
और ये जुपिटर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ एक प्रकार से अथॉरिटिकल वर्क भी लाइफ में देने वाला रहेगा। तो इसीलिए जुपिटर के बिहाफ पे सिर्फ फैमिली रिगार्डिंग थोड़ी दिक्कत आई, बाकी और कोई दिक्कत है नहीं। सैटर्न की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। फेट लाइन आपका रुक रुक करके चल रहा है। फेट लाइन सबसे पहले तो मून से स्टार्ट हुआ, जो बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है। इस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होता है या कार्य क्षेत्र देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये रेखा में जो अलगाव हुआ या ब्रांचेस हुए वो उम्र 34 में हो रहा है। फिर ये रेखा अनदर जो आपकी यहाँ पर लाइन है ये रेगुलर बेसिस पे रन कर रही है, लेकिन ये लाइन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट दे सके। इसलिए 34 से जो है आपके अर्निंग में या करियर वाइज थोड़ा दिक्कत यहाँ पर शो होने लग रहा है। इसके बाद फिर और भी शाखाएं हैं वो सैटर्न तक पहुँच रही है, लेकिन रुक रुक करके। तो इस कंडीशन में मन लायक काम होने में बहुत दिक्कत होता है। जीवन में सब चीज़ हो जाएगा आपको, लेकिन इंटरनल या मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलने में दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर आपको अपने सैटर्न के रेमेडी के अंतर्गत सोशल वर्क भी करना रहेगा, और यहाँ की आड़ी रेखा मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम देती है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन व चेंजेस होते रहता है। कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा बातों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेना। तो कौन सी बात सही लगे, बुरी लगे, कब क्या डिसीजन ले लें, ये कोई भी व्यक्ति जज नहीं कर सकता है। आड़ी रेखा यहाँ बिल्कुल प्रोमिनेंट है नहीं, लेकिन इसके अवेलेबिलिटी भी सैटर्न पर होना भाग्य में थोड़ा अवरोधक का काम करती है, जिसके कारण काम बनते बनते बिगड़ना या हर काम के लिए डबल मेहनत करना। सैटर्न रेमेडी जब आप करेंगे तब आपके करियर या जॉब या अर्निंग के रिगार्डिंग जो है शुभ अवसर या शुभ परिणाम जो है आपको देखने को मिलेगा। फेट लाइन आपके हाथ में है, लेकिन सेल्फ मेड लक लाइन है। इट मीन्स अपने खुद के एफर्ट मेहनत से आप लाभ कमाते जाएंगे, लेकिन पक्का पकाया माल जो 34 के पहले तक जो करियर वाइज ग्रोथ था या लक था वो प्रोमिनेंट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए सैटर्न रेमेडी करने की सख्त आवश्यकता है। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति हो रही है। ये क्या करती है कि व्यक्ति को थोड़ा सीरियस करती है, भीड़ से अलग करती है। भीड़ में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, कुछ समय रह सकते हैं, लंबे समय तक नहीं रह सकते। एकांत प्रिय स्वभाव होता है, खुद को ज़्यादा समय देने वाले होते हैं। तो अगर दिन भर में कुछ टाइम खुद के लिए ना निकाला जाए तो मूड स्विंग का फिर इमीडिएट प्रॉब्लम आएगा आपको। यहाँ पर सूर्य की स्थिति पर देखेंगे तो सूर्य पर आपका जो है डमरू का चिन्ह, इसे कहते हैं फिश सिंबल, कई मरतबा इसे समझा जाता है, लेकिन ये डमरू का चिन्ह होता है। इस कंडीशन में व्यक्ति शिव भक्त अधिकतर मामले में होते, लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं होता कि शिव भक्ति ही रहते। लेकिन इस प्रकार का सूर्य के चिन्ह का मतलब ये होता है कि सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है आपकी। हालांकि आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देती है, लेकिन ये सूर्य दर्शा रहा है कि जीवन में आपने अपने फैमिली में पहले ऐसे मेंबर रहे हैं जिन्होंने कोई नया काम शुरू किया और उसके द्वारा नेम फेम मिला है, उसको यहाँ पर ये सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सूर्य ऐसा फ़ौरन से कनेक्शन देता है, नेम रिस्पेक्ट के मामले में ये बहुत सही माना जाता है। इस प्रकार का सूर्य थोड़े से मेहनत से भी लाभ देता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं दे रहा, और सबसे पॉजिटिव पॉइंट इसमें यही है कि यहाँ पर यशस्वी योग का निर्माण हुआ इसके कारण, जो बुध और सूर्य के बीच में होता है। इस कंडीशन में क्विक लर्निंग हैबिट होती है, क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल डेवलप्ड होता है, क्विक नेम रिस्पेक्ट या पोजिशन अथॉरिटी देखने को मिलता है। तो सूर्य आपको अच्छे लेवल पर विराजमान है, इसके कारण आपको अपॉर्चुनिटी में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। वहीं बात करें मरकरी के बारे में तो मरकरी पर भी एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्ति तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है, तो ज्ञान के विषय में और बातचीत के विषय में ये कोई दिक्कत यहाँ पर दे ही नहीं रहा है। इस प्रकार का मरकरी बहुत अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी और गुड कम्युनिकेशन व कन्विंसिंग स्किल भी देने वाला रहता है। हृदय रेखा से जब मल्टीपल लाइन ऊपर की तरफ झुक रही हो तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने स्पाउस व घर वालों की तरफ। यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है थोड़ी जो है आपकी रुक रुक करके और यहाँ पर बहुत पतले स्तर पे चल रही है। इस प्रकार की हार्ट लाइन हेल्थ के लिए तो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है, लेकिन लाइफ लाइन आपकी हथेली में स्ट्रांग है, सपोर्टिव लाइन है, इसलिए ये हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत शो नहीं कर रहा है। लेकिन तब भी आपका इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। नीचे की तरफ आने वाली रेखाओं को इमोशनल सेटबैक कहा जाता है। इस कंडीशन में जब भी किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होने के कारण इमोशनली जो हर्ट होते हैं उस कंडीशन में ऐसी रेखाएं आती हैं। आप जैसे ज़्यादा तक अगर किसी को पैसा भी देते हैं तो वापस अपना ही लेने में पैसा शर्माते हैं, यानी या नहीं निकाल पाते हैं अपना पैसा ही। इसीलिए ट्रस्ट इशू जो है देखने को फिर यहाँ पर मिलता है। इमोशनल नेचर के हैं आप, इसीलिए दिल के साफ सुथरे इंसान हैं, धोखा
जालसाजी, षड्यंत्र, ऐसी चीज़ें आपके अंदर नहीं है। यहाँ पर देखें तो एक शाखा नीचे भी गई है, तो स्टार्टिंग लाइन में थोड़ा एग्रेशन था, लेकिन फिर उसका इन सारी चीज़ों में कंट्रोल आया। इस प्रकार की हार्ट लाइन हेल्थ के लिए, इमोशंस के लिए सही नहीं है। मेडिटेशन अपने इमोशंस के लिए आपको रेगुलर करते रहना चाहिए, या सोशल वर्क, उससे आपको इंटरनल पीसफुलनेस या सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेकेंड, हेल्थ के लिए फिजिकल फिटनेस या ऐसा कोई काम करिए जिससे रेगुलर हर दिन पसीना निकले, ताकि आपका हार्ट लाइन यहाँ पर स्ट्रांग हो सके। और ये हार्ट लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हार्ट से, बीपी से, आपके कोलेस्ट्रॉल से। तो जब ये वीक हो तो इम्यून सिस्टम फिर धीरे धीरे वीक होता है। हालांकि आपका जो मार्स है वो डेवलप बढ़िया है, तो इस कारण से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब है, लेकिन इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए इसलिए अभी से ही थोड़े प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए। माइंड लाइन आपका प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, बचपन से ही इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है, इसीलिए अपने मन मुताबिक ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और यही रीज़न है कि ये ज़िद्दी स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है। तो अपनी ज़िद पर अड़िग रहना, अपना ज़िद दूसरों से मनवा लेना, ये बेसिक नेचर में फिर आ जाता है। तो आप सुन सबके लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे मन की। और इस कंडीशन में ज़िद के कारण भी आपका फेट थोड़ा वीक होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी फेट लाइन माइंड लाइन के पहले आकर के रुकती है, और माइंड लाइन ऐसे अगर इंडिपेंडेंट चल रहा हो तो व्यक्ति अपने खुद के डिसीजन के द्वारा भी लक को अफेक्ट करता है। इसलिए कोशिश यही करें कि अपनी ज़िद और तमाम तरह की जो ऐसी चीज़ें हैं, हठीपन, इन सबको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करें। लॉन्ग टर्म बेसिस पे जैसे थिंकिंग करते हैं, उसी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो फिर मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रकार की माइंड लाइन की लाखों खूबियां हैं, लेकिन एक डिमेरिट ये है कि ये एडजस्ट करना नहीं जानती ज़्यादा प्रॉपरली इस प्रकार की माइंड लाइन थिंकिंग से या अपने वर्क से। तो वो एक अगर एक बार वो टॉप लेवल मैनेजमेंट देखा है तो फिर निचले स्तर का काम कर ही नहीं पाते। हालांकि ये कोई बहुत दिक्कत वाली बात है भी नहीं, अच्छी बात है, होती है, लेकिन इस कंडीशन में कई मरतबा डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते। तो इसीलिए थोड़ा इत्मीनान से सोच विचार के, दूरदर्शिता रख, एनालिसिस करके अगर काम करेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं आता है। माइंड लाइन के ऊपर देखेंगे तो आइलैंड के फॉर्मेशन भी अवेलेबल हैं। उम्र हो जाएगा ये आपका 19 और 22, इन दोनों एजेस में मेंटल टेंशन प्रेशर था। इसके बाद दो आइलैंड और हैं, एक दिख रहा है 24 में, एक दिख रहा है 28 में, फिर जाकर के माइंड लाइन स्टेबल हुई और बायफोर्क हुआ। बायफोर्क का साइन का सबसे अच्छा बात यह है कि ये प्योरली इंटेलिजेंसी देता है, डीप थिंकर बनाता है, जो भी जीवन में एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं उसके बिहाफ पे सही समय पर सही नॉलेज के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाते हैं। तो इस प्रकार के माइंड लाइन लाइफ में कभी भी हार मानने नहीं देती है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है जब बायफोर्क हो जाए माइंड लाइन में। ऐसे जातक बहुत अच्छे राइटर बनते हैं, अपने इमेजिनेशन के द्वारा लाइफ में बहुत कुछ नया दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, या बहुत बेहतरीन इनोवेटिव आइडियाज़ ला करके कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन या लोगों को लाभ देने वाले रहते हैं। तो ये माइंड लाइन ये दर्शाती है कि आपने जो भी नॉलेज गेन किया उसका प्योरली यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे, इसीलिए ये अच्छे अर्निंग को, अच्छे सेटिस्फेक्ट्री लाइफ को, पावरफुल मेंटेलिटी को, स्ट्रांग मेंटेलिटी को, क्लेवर एटीट्यूड पर्सनैलिटी को भी डिनोट करता है। किस सिचुएशन को कैसे हैंडल टेकल करना आप जैसे माइंड लाइन वालों को बहुत अच्छे से पता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होने के कारण टू द पॉइंट बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइफ लाइन के फ्लो में देखेंगे तो मिडिल ऑफ द पाम ये रेखा आ रही है, तो करियर फोकस, सेल्फ ओरिएंटेड ज़्यादा रहेंगे। लाइफ लाइन के पैरेलल ये जो सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हुई, ये हुई है 28 के एज में, उसके बाद से आपको स्पाउस व बाहरी दुनिया, लोगों का सपोर्ट अच्छा देखने को मिला। मंगल की रेखा मल्टीपल प्रॉपर्टी दिलाती है। लाइफ लाइन के पैरेलल जो भी आपकी प्रोग्रेस लाइन शुरू हुई वो 25 के एज से स्टार्ट हुई, उसके बाद से निरंतर ग्रोथ खुद के एफर्ट से मिला। अभी आने वाले समय में यानी 36 में, 38 में भी आपको खुद के एफर्ट से लाभ मिलेगा। तो ऐसे लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं हो, जब लाइफ लाइन स्मूथ हो या ऐसी सपोर्टिव लाइन हो तो कष्ट आने के पहले ही सॉल्यूशन बने हुए रहते हैं जीवन में। तो ये फॉर्मेशन भी ठीक है। इंटरनल मार्स फिजिकल फिटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर मार्स मेंटली स्ट्रांग पर्सनैलिटी को दर्शा रहा है। शुक्र का पोजीशन बहुत सही है, ये लग्जरियस लाइफ का सबसे मेन कारक है, तो तमाम तरह की लग्जरीज, रॉयल्टी एवं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छे से मेंटेन अपने लाइफ में कर पाएंगे। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को डिनोट करती है, जो हल्के फुल्के ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग का कारण होता है, लेकिन कोई बहुत मेजर दिक्कत ये दे नहीं रहा है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज ला के देगी जीवन में, और तमाम तरह की सुख समृद्धि, प्रसिद्धि एवं अपने सारे शौक, हरमान यानी डिज़ायर को फुलफिल ये शुक्र करवा करके देगा, इसीलिए खर्चे ज़्यादा रहेंगे अपने शौक हरमान को पूरे करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, इंटीरियर डिज़ाइनर बड़े अच्छे होते हैं, किसी भी चीज़ की जो पसंद होती है अच्छी देखने को मिलती है,
घूमना फिरना, खुद खुश रह करके दूसरों को भी खुशी प्रदान करना, वैसा नेचर भी होता है। केतु के ऊपर डिवाइडेशन जब हो तो यात्राओं को सौभाग्य बढ़ता है, देश विदेश की यात्रा निरंतर बनी हुई रहती है। शुक्र से मरकरी लाइन आपकी निकल रही है तो स्पाउस व उनके घर वालों से भी सपोर्ट या लाभ अच्छा देखने को इस कंडीशन में एकाएक जीवन में मिलता है। मनी ट्रायंगल नहीं है, प्योरली डेवलप्ड नहीं है, पैसा नहीं रुकेगा इस कंडीशन में। तो जब भी धन आए इन्वेस्टमेंट करें तो उससे लाभ डेफिनेटली आपको मिलेगा। लेफ्ट पाम में देखिए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन स्ट्रांगली चल रही है लेकिन इसमें भी ब्रेक हुआ, इसलिए आप अपने सैटर्न के ऊपर काम करिए ताकि आपका लक और इम्प्रूव हो सके और आपके काम बिल्कुल स्मूथली फिर बन सके। बाकी कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है और माइंड लाइन जैसे डिक्लाइन जा रही है, तो कोई भी अगर क्रिएटिविटी है तो उस पर आप वर्क करिए। आपका शुक्र नेम रिस्पेक्ट देगा और चंद्र आपको बहुत अच्छा क्रिएटिव बनाने के साथ साथ अपने ही किए गए हॉबी के ऊपर काम को और ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध भी करेगा। तो जब माइंड लाइन डिक्लाइन होती है, चंद्र की तरफ झुकती है, तो अगर ऐसे जातक अपने क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने रख दें, बहुत सपोर्ट बेहतरीन मिलने लगता है दूसरों का, पब्लिक सपोर्ट बहुत बेहतरीन इस कंडीशन में आता है। ओवरऑल पाम का फॉर्मेशन बहुत सही है, कहीं भी कोई माउंट ज़्यादा दबा या बहुत ज़्यादा उठा हुआ भी नहीं है, तो हेल्थ या लाइफ स्टाइल बिल्कुल नॉर्मल यहाँ रहने वाली है आपकी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।